हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप की कमाल की वायरल थंबनेल क्रिएट करना। एंड बेसिकली ये न्यू थीम बेस्ड हमारा थंबनेल होगा, तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना होगा, तब आपके लिए सिंपल होगा एंड किसी भी एप्लीकेशन में आप क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो को मैं फटाफट से स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज़ गाइज, आज के हम अपने फीचर चैनल को चेक कर लेते हैं। तो गाइज, आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो गुलाब जामुन है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आना होगा, ठीक है। एंड जो भी आपको लिखना होगा ना अपने न्यू थंबनेल पे, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं न्यू अपडेट 3.4 लिख रहा हूँ, आप अपने चैनल नेम भी लिख सकते हो, बाकी कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया। एंड देखो, सब कुछ मैंने पैक में दे रखा है, तो आप लोग को चीज़ें बस सेटअप करना है एंड टेक्स्ट पे थोड़ा सा काम करना है। तो आप किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हो, ये कोई वो नहीं है कि आप जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा उसी में आप करोगे, ठीक है। तो पहले पिक्सल लैब में हम इसे ट्रांसपेरेंट पे सेव कर लेते हैं एंड अब हम चलते हैं अपने पीएस टच एप्लीकेशन में। तो गाइस, पीएस टच एप्लीकेशन में आने के बाद आपको क्या करना है कि 9020x1080 का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लेना है। एंड आप ये चीज़ पिक्सआर्ट में भी कर सकते हो। एंड देखो, जो जो मैंने पैक में चीज़ें दे रखी है ना, आपको सिंपली यहाँ पे ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद देखो, ये शेडो उसके बाद आपको ऐड करना होगा। फिर यहाँ पे देख लो, मैं आपको एक एक चीज़ ऐड कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ग्लो है, वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। कैरेक्टर वगैरह का भी पीएनजी मैं आपको दे दूंगा, तो आप कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपने फ़ोटो का भी पीएनजी करके यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली कैरेक्टर की भी पीएनजी मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड उसके बाद फिर से आपको फोटो लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे एक शैडो है, वो शैडो को भी आपको ऐड कर लेना है। देख लो, सब कुछ मैं करके रखा हूँ, आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे मुझे और भी ऐसे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलते रहे, खुशी हो कि आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे कर लिया, एक एक करके चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। बुलेट की पीएनजी भी मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट पे वर्क करेंगे। देखो, टेक्स्ट पे वर्क करने के लिए देखो, ये सब चीज़ें तो आप किसी भी एप्लीकेशन में कर लोगे। टेक्स्ट आपको जिसमें अच्छा बनाना आता हो ना, जैसे पिक्सआर्ट में आप टेक्स्ट को अच्छे तरीके से बना लेते हो, तो आप उसमें भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने न्यू अपडेट 3.4 लिखा है, आप अपना गेमिंग चैनल नेम लिख सकते हो या और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने अपडेट को यहाँ पे अलग कर दिया है, ताकि अपडेट वाले में मैं अलग ग्रेडियंट ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अलग कर दिया। अब उसकी अपडेट वाली की सेलेक्ट पिक्सल करके ग्रेडियंट में जाऊँगा, येलो यहाँ पे ग्रेडियंट मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड न्यू अपडेट जो है ना, जो न्यू और 3.4 है, उसमें मैं यहाँ पे एक सिल्वर ग्रेडियंट ऐड करूँगा, जिससे थोड़ा सा ये अलग टाइप का दिखे और शाइनिंग आए तो अच्छा लगे ये थंबनेल हमारा, ठीक है। तो देख लो, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हम अच्छे तरीके से इसे प्लेस कर लेते हैं एंड फिर ये टिक मार्क पे क्लिक करते हैं। अब दोनों को हम लेयर को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। दोनों टेक्स्ट को इसकी सेलेक्ट पिक्सल करेंगे एंड एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करके एंड पे जाके फिल एंड स्ट्रोक कर देंगे। स्ट्रोक पे जाना आपको, इसकी विथ को आपको 20 अराउंड रखना है और रेड कलर की एक जो डीप रेड है ना, उसकी आपको एक स्ट्रोक ऐड कर देनी है, जिसकी ब्राइटनेस आपको 30-35 ऐसे रखना है, ठीक है। तो ये देख लो, हमारा टेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो गया है। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग आप रोटेट कर सकते हो या अच्छे तरीके से प्लेस कर सकते हो, और भी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो। लेकिन देखो, इतना ही ये काफ़ी ओपी सा दिख रहा है आपका थंबनेल एंड बहुत ही अच्छा लगेगा ये आप थंबनेल यूज़ करोगे। देखो, अब एक और चीज़, यहाँ पे आपको बहुत लोगों को कैरेक्टर पे ग्लो देने नहीं आता होगा, तो कैरेक्टर पे ग्लो कैसे आप दोगे, उसके लिए आपको पीएस टच या पीएससी। देखो, मैं इसलिए ये एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ ना, क्योंकि इसमें फिनिशिंग अच्छे तरीके से आती है। जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने एक सेलेक्ट पिक्सल कैरेक्टर का किया, एम्प्टी लेयर पे जाके इन्वर्स किया, फिर यहाँ पे एंड पे जाके फिल एंड स्ट्रोक पे जाके फिल कर दिया और कलर इसकी वाइट रखा, ठीक है, ओके कर दिया। फिर से इन्वर्स पे जाना आप एंड एफएक्स में जाना, ग्लो पे जाना एंड यहाँ पे आपको ग्लो देना है अराउंड। यहाँ पे ब्लर आपको 18 रखना है एंड इसकी सैचुरेशन 60 रखना है। जो भी कलर लो, उसकी सैचुरेशन 60 रखो, ताकि उसकी ग्लो अच्छे तरीके से दिखे। फिर कैरेक्टर के जाके सेलेक्ट पिक्सल करके ग्लो पे जाके एक्सट्रैक्ट कर देना, डी सेलेक्ट करके लीनियर डॉज ऑन कर देना। देख लो, डुप्लीकेट लेयर करके यहाँ पे आपकी जो कैरेक्टर के पीछे है ना, ग्लो अच्छे तरीके से कैरेक्टर के ऊपर आ गई है। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर पे ग्लो दे सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एंड हाँ, कमेंट में मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेकर आऊँ। मैं वैसे तो सोच रहा हूँ ओवरले के ऊपर लेकर आने का, बाकी आपकी और भी कोई नीड होगी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।